हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज एक नई कॉमिक शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें एक सिस्टम को दिखाया जाता है जो बताती है कि एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर है जो अपीयर हुआ है, उसे हमें किल करना है, जिसके लिए 10 टीम के प्लेयर चाहिए। फिर हमें एक नंबर के प्लेयर को दिखाया जाता है जो उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि ये कितना एनोइंग है, जिसका लेवल 1000 दिखाया जाता है, जिसका नाम ई वू होता है। और एक वन नंबर का प्लेयर कहता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इसे हराने के लिए। फिर बॉस का लेवल अननोन दिखाया देता है। फिर बॉस जो होता है, बॉस मास्टर होता है, एक बार रोर करता है। फिर हमारा वन लेवल का प्लेयर होता है अपना मेगा अटैक को यूज करता है जल्द से जल्द, और फिर उस पर अटैक कर देता है। और उसका जो चार्जिंग है मैक्स मोड पे एक्टिवेट कर देता है, जिससे तेजी से अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है। फिर हमें एक बहुत बड़ा का धमाका दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें प्लेयर वन नंबर बताया वो मर गया। फिर हमें फैक्ट्री दिखाई जाती है। फिर उसमें कहता है तुम सक्सेसफुली स्कूल लेवल को क्लियर कर दिया। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जी यू होता है और इसकी उम्र 20 साल होती है। फिर इसके मोबाइल में एक कॉल आता है। फिर उस कॉल के तरफ से इसका दोस्त बोलता है कि एक बहुत बुरी खबर है। फिर हमारा मेन हीरो बोलता है कि क्या तुम इतना जोर से चिल्ला रहे हो। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो। हमारी जो क्लास में जो हमारी नई टीचर है वो तुमसे मिलना चाहती हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं बहुत सालों से स्कूल में एबसेंट हूँ, जो पुरानी टीचर है उस वो इस बात पे क्लियर नहीं करती थी, तो ये नई वाली क्यों। फिर ये बोलकर वो उस फ़ोन को कट कर देता है। बोलता है कि जो लास्ट साल हुआ तो मैं उसे याद नहीं रख सकता। फिर उसका कर उदास हो जाता है। फिर अपने साइड टेबल पे रखे हुए फ़ोटो को देखता है। फिर बोलता है क्यों, तुम क्यों मर गई, कैसे तुम कैसे मर गई, तुम्हें जीना चाहिए था। फिर उसके मोबाइल में एक मैसेज को दिखाया जाता है। फिर ये हमारा हीरो समझता है कि फिर उससे उसका दोस्त कॉल कर रहा है, लेकिन वो कॉल नहीं होता है। उसमें एक सिस्टम आता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक प्लेयर बन चुके हैं अनलिमिटेड गेम का, मैं आशा करते हैं आप अच्छे रहेंगे। फिर हमारा हीरो सोचता अनलिमिटेड गेयर प्लेयर ये सब क्या है। फिर एक रोशनी उसमें से निकलती है और फिर उचारों तब दिखाई दे। फिर हमारे हीरो का स्टेटस दिखाया जाता है जिसका एज 20 साल है, HP जो 250 है, MP है जो 150 है, जो अटैक पावर है 5 है, एजिबिलिटी भी 5 है, बॉडी भी 5 है, स्पीड भी 5 है, पॉइंट भी 5 है, उसका लेवल F दिखाया जाता है। फिर हमारा दोस्त कहता है कितना बेकार ये है। फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है कि आप सभी प्लेयर के लिए को हॉनर है कि आप अपने पॉइंट से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सही रहें, अच्छे रहें। फिर हमारा हीरो सोचता है कुछ भी। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये सब कितना बेकार है, वर्चुअल रियलिटी की तरह हमें दिखा रहा है, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं अपना पैसा चाहता हूँ। फिर पॉइंट जो सिस्टम होता है बोलता है कि पॉइंट एक्सचेंज। फिर हमें उसके मोबाइल में दिखाया जाता है जो पॉइंट एक्सचेंज की वजह से उसे 50,000 युआन रिसीव होता है।
फिर हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये सच में मनी है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसका डोर नॉक होता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि कौन है, ये बहुत लेट हो चुका है। फिर हमें पता चलता है कि वो उसकी रूम मालिक है, जिससे हीरो उसको कई महीनों से पैसा नहीं दिया, इसलिए वो लेने आई है। वो कहती है कि अगर तुम इस बार पैसे मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगी। और तुम रूम की हालत देखो, तुम कितने गंदे और कितना गंदा बदबूदार हो। फिर हमारा हीरो कहता है ठीक है ठीक है, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। फिर वो तुरंत 30,000 युआन उसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि अगले महीने का भी डेबिट हो गया है। अब इसके लिए अब अगले साल आइएगा पैसे लेने के लिए रेंट का। फिर जो रूम मालकिन होती है वो कहती है कि तुम्हें कोई जैकपॉट लगा है क्या, तुम तो बहुत स्पेशल, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प आवश्यकता हो, हेल्प की, चाहे तुम कितने भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचिएगा फैमिली शो। फिर बाद में जो हमारे मेन कैरेक्टर ये सब देख कर शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो एक रियल गेम की तरह है जो रियल डील करता है। फिर ये सोचता है, फिर अपने फ़ोटो को लेकर टेबल पर जाता है और फ़ोटो को उठाकर देखता है और कहता है क्या मैं कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्या मैं डेट को भी जीवित कर सकता हूँ। फिर बाद में उसको पता चलता है कि जिसका सिस्टम बताती है जो तुम्हारा पॉइंट है 0 है। अगर तुम 100 मिलियन पॉइंट को रिसीव करते हो तो शायद हो सकता है। फिर हीरो सोचता है कि आखिर में बहुत अर्न करना पॉइंट करे पड़ेगा। फिर बाद में सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं मैं कर सकता हूँ, यू ही थैंक गॉड, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 100 मिलियन पॉइंट को तो जमा कर सकता हूँ। फिर हमें सिस्टम के बारे में दिखाया जाता है।